आज की बड़ी खबर, शहर के बरगद चौराहा पर बड़ी खबर, 8 साल की बच्ची को लोडर ने रौंदा, हुई दर्दनाक मौत। नानी संग मनसा देवी मंदिर दर्शन करने जा रही थी बच्ची। घटनास्थल पर पुलिस ने लोडर व ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। रायबरेली समाचार चैनल की खबर देखने वाले सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। स्लग रायबरेली में स्थित मनसा देवी मंदिर परिजनों संग दर्शन करने आए 8 साल की बच्ची को ऑटो से उतरते ही सड़क किनारे खड़ी मासूम बच्ची को लोडर ने रौंदा, हुई दर्दनाक मौत। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसे में सड़क किनारे खड़ी एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एजेंसी से लोडर बैक हो रहा था, तभी सड़क किनारे खड़ी मासूम बच्ची उसकी चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बरगद चौराहे का है, जहां मारुति कमर्शियल के पास 8 साल की मासूम बच्ची अदिति पुत्री प्रमोद दीक्षित सड़क के किनारे खड़ी थी। तभी मारुति सुजुकी एजेंसी से नया लोडर निकलते समय मासूम बच्ची लीडर की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों की मदद से मासूम बच्ची को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वाहन चालक को मई गाड़ी के हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। रायबरेली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, एजेंसी से लोडर बैक करते समय सड़क किनारे मासूम बच्ची को मारी जोरदार टक्कर। लोडर की टक्कर से मासूम बच्ची की मौके पर हुई दर्दनाक। मैं डॉक्टर अशोक वर्मा, फिजिशियन। जी अभी थोड़ी देर पहले एक आदिति नाम की लड़की थी, 8 साल की बच्ची, तो चिलौला की रहने वाली थी, तो इसका एक्सीडेंट हो गया, तो वही ब्रॉड डेड आई थी, वो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गई थी।